हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग वर्टिकल सरफेस के बारे में बात करेंगे। पिछले सेशन में माय डियर हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द सरफेस के बारे में हम लोगों ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें आपने देखा था कि सबसे पहले हम लोगों ने इंक्लाइंड सरफेस के बारे में बात किया और फिर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल सरफेस देखा। अब आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि किसी भी वर्टिकल सरफेस पर किसी फ्लूड के द्वारा, किसी भी स्टैटिक फ्लूड के द्वारा कितना फोर्स एग्जर्ट किया जाएगा एंड सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन क्या होगा, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, तो चलिए माय डियर सेशन को स्टार्ट किया जाए। ओके, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए माय डियर फ्रेंड कि ये कोई आपका लिक्विड का फ्री सरफेस है, ये लिक्विड का फ्री सरफेस है और यहाँ पर एक वर्टिकल सरफेस सबमर्ज किया गया है, इमर्स किया गया है। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका वर्टिकल सरफेस, ये कोई वर्टिकल सरफेस है। ठीक है, ओके, अगर आपको लाइन में दिक्कत हो रहा है तो चलिए ठीक है, हम लोग इसको इस तरह दिखा दे रहे हैं। ये मान लीजिए आपका वर्टिकल सरफेस और इस वर्टिकल सरफेस का जो क्रॉस सेक्शन होगा, जैसा कि ऐसे मान लीजिए कि ये आपका वर्टिकल सरफेस है तो फ्लूड तो यहाँ है माय डियर, तो ये फ्लूड इस सरफेस पर यहाँ पर जो फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो सामने से आप देखेंगे तो आपको इस तरह का दिखाई देगा, बट एक्चुअल में माय डियर फ्रेंड फ्लूड किस सरफेस पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, तो इस सरफेस पर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। तो इस सरफेस को हम लोग यहां पर प्रोजेक्ट करके दिखा देते हैं। आइए देख लीजिए, तो क्या करेंगे, इसको प्रोजेक्ट कर देंगे माय डियर। और देखिए ये आपका रेक्टेंगुलर शेप का वर्टिकल सरफेस है जिसके ऊपर फ्लूइड एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। This is your vertical surface, okay? और इसी सरफेस पर फ्लूड के द्वारा फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है। इसका विड्थ b और इसका डेप्थ d है माय डियर। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, तो आप जानते हैं इसके मिडिल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा cg। तो यहाँ पर भी आप पॉइंट मार्क कर देंगे, दिस इज योर cg, ओके? अब यहाँ से देखिए, तो लिक्विड के फ्री सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डेप्थ को हम लोग एच बार से डिनोट करते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, सो दिस डेप्थ इज डिनोटेड बाय एच बार, ओके। अब यहां से देखिए, यहां पर जो फ्लूड है माय डियर, ये फ्लूड क्या करेगा, इस सरफेस के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। ठीक है, और उसी फोर्स को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और जो फोर्स एग्जर्ट करेगा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इस सरफेस के नॉर्मल एक्ट करता है। मैंने बताया था आपको कि लिक्विड के द्वारा जो फोर्स एग्जर्ट होगा वो सरफेस के नॉर्मल एक्ट करेगा एंड किस पॉइंट से एक्ट करेगा, तो वो सेंटर ऑफ प्रेशर से एक्ट करेगा। और सेंटर ऑफ प्रेशर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, मैंने बताया था आपको कि हम लोग प्रेशर डायग्राम देख लेते हैं और प्रेशर डायग्राम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसे ही हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। उसी पॉइंट से आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, ओके? और प्रेशर डायग्राम आप ड्रॉ करना अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अब प्रेशर डायग्राम देख लेते हैं और फिर आप देखेंगे कि सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से थोड़ा नीचे होगा। चलिए आइए देखिए माय डियर, तो यहां पर क्या होगा, इस पॉइंट के लिए मान लीजिए डेप्थ यहां से h1 है एंड इस पॉइंट के लिए माय डियर फ्रेंड मान लीजिए कि डेप्थ आपका h2 है। तो आपने पढ़ा है कि किसी भी डेप्थ पर फ्लूड के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा वो प्रेशर नॉर्मल होगा। ठीक है,
यहाँ पर डेप्थ कम है तो प्रेशर का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। दिस प्रेशर इज डिनोटेड बाय पी वन, और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? तो आप बोलेंगे सर रो जी एच वन के बराबर होगा। और अगर इस पॉइंट पर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पर इस लिक्विड के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा माय डियर, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। दिस प्रेशर इज कॉल्ड पी टू, और इसे हम कैसे लिखेंगे? रो जी एच टू। एच टू क्या है? तो इस पॉइंट का डेप्थ है फ्री सरफेस से, जो कि मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। और चूंकि डेप्थ, इस पॉइंट का डेप्थ ज़्यादा है, तो प्रेशर का मैग्नीट्यूड भी देखिए ज़्यादा होगा। ओके, और प्रेशर हमेशा क्या होता है? सरफेस के नॉर्मल होता है, तो आप नॉर्मल शो करेंगे। अब देखिए, अब आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब इस दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे माय डियर फ्रेंड। तो देखिए, आपका प्रेशर का वेरिएशन मालूम चल चुका है। इसी डायग्राम को हम लोग प्रेशर डायग्राम कहते हैं। और आप यहां पर शो कर सकते हैं कि जैसे जैसे माय डियर फ्रेंड डेप्थ इंक्रीज कर रहा है, देखिए प्रेशर का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज करते जा रहा है। ओके, और यही आपने हाइड्रोस्टैटिक लॉ में पढ़ा था। जैसे जैसे पॉइंट का डेप्थ लिक्विड के फ्री सरफेस से इंक्रीज कर रहा है, लिक्विड के द्वारा ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होते जा रहा है। इस पॉइंट के लिए माय डियर थोड़ा सा डेप्थ बढ़ गया, तो देखिए प्रेशर का मैग्नीट्यूड भी थोड़ा सा बढ़ गया। फिर इस पॉइंट के लिए डेप्थ और बढ़ गया, तो मैग्नीट्यूड बढ़ गया। तो उसी तरह आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर भी इंक्रीज करते जाएगा। और चूंकि आप जानते हैं प्रेशर बराबर रो जी एच होता है, तो प्रेशर एच के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स यहाँ पर लीनियर वेरिएशन होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये वेरिएशन कैसा है? लीनियर वेरिएशन है। सो दिस डायग्राम इज कॉल्ड प्रेशर डायग्राम। ओके, इस डायग्राम को माय डियर फ्रेंड हम लोग क्या कहेंगे? प्रेशर डायग्राम। चलिए, बहुत ही अच्छा माय डियर। फिर मैंने क्या बताया था आपको, याद कीजिए, जो प्रेशर डायग्राम बनेगा उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जो प्रेशर का वेरिएशन है वो सबसे ज्यादा नीचे में है। नीचे में मैग्नीट्यूड का ज्यादा वेरिएशन है, ज्यादा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो जहां पर ज्यादा मैग्नीट्यूड का वेरिएशन हो, ज्यादा मैग्नीट्यूड का डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पर होता है। तो इसका मतलब साफ है कि यहां पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे में होगा। ठीक है, तो नीचे में आप इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लीजिए कि यहां पर है माय डियर, यहां पर हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इसी लाइन के अलोंग, इसी लाइन के अलोंग यहां पर क्या होगा? आपका सेंटर ऑफ प्रेशर सीपी, और इसी लाइन के अलोंग आपका टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एफ एक्ट करेगा। ये एफ क्या है? तो इस लिक्विड के द्वारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है इस सरफेस के ऊपर। एंड सेंटर ऑफ प्रेशर आपने फाइंड कर लिया, तो इस सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ लिक्विड के फ्री सरफेस से हम लोग क्या लिखते हैं? इसे हम लोग एच सी पी बार लिखते हैं। एच सी पी बार इज द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ओके, यहां तक तो आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कि किस तरफ फोर्स एग्जर्ट होगा, कहां पर एग्जर्ट होगा। चलिए, बहुत ही अच्छा माय डियर। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि इस वर्टिकल सरफेस के केस में हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे, दैट मींस डेप्थ कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें यहां पर देखना है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर यह सोचना होगा कि यहां पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है। तो देखिए माय डियर, आपको याद होगा, ठीक है, जब हम लोग इंक्लाइंड सरफेस के बारे में बात कर रहे थे, ये लिक्विड का फ्री सरफेस और आपका इंक्लाइंड सरफेस माय डियर फ्रेंड ये था, और यहां पर देखिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये है थीटा। तो ये इंक्लाइंड सरफेस जब वर्टिकल सरफेस हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? तो जब ये इस सरफेस को आप इस डायरेक्शन में टर्न करेंगे, इस डायरेक्शन में आप इसको टर्न करेंगे, तो देखिए ये जब यहाँ पर ये आ जाएगा, तो आप क्या देखेंगे? तो यहाँ पर आप देखिए इसका एंगल,
ये जो एंगल है माय डियर, ये एंगल 90 हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, तब सरफेस आपका वर्टिकल कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 डिग्री होता है, बट वर्टिकल सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा माय डियर, 90 डिग्री। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, फॉर वर्टिकल सरफेस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा यहां पर 90 डिग्री है। और जैसे ही हमें एंगल के बारे में पता चल गया, तो अब यहां पर हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, आइए देखते हैं माय डियर। सो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, ये हम लोग किस फॉर्मूला से फाइंड करेंगे, तो आप जानते हैं एच सी पी बार का एक फॉर्मूला इंक्लाइंड सरफेस के केस में हमने देखा था। तो एच सी पी बार इज इक्वल टू क्या होता है, एच बार प्लस आई सी जी साइन स्क्वायर थीटा होता है डिवाइड बाय ए एच बार, यही फॉर्मूला आपने पढ़ा था। और यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है, तो आप थीटा का वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री पुट कर देंगे। तो थीटा जब 90 हो जाएगा तो साइन स्क्वायर 90 का वैल्यू क्या होगा माय डियर, 1 होगा। साइन 90 1 होता है, तो साइन स्क्वायर 90 भी आपका 1 हो जाएगा। सो एच सी पी बार विल बी एच बार प्लस आई सी जी डिवाइड बाय ए एच बार। देखिए माय डियर फ्रेंड, वर्टिकल सरफेस के केस में आप सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ फाइंड करने के लिए इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर साइन स्क्वायर थीटा टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा टर्म यहां पर इस फॉर्मूला में नहीं रहेगा। बात समझ में आ गया, चलिए। तो वर्टिकल सरफेस जहां पर भी आप देखेंगे तो उस केस में आप इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। बात समझ में आ गया, चलिए, बहुत ही अच्छा। और यहां पर भी आप क्या देख रहे हैं कि एच बार में हम लोग इस टर्म को ऐड करेंगे तब हमें सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ मिलेगा। तो यहां पर भी देख लीजिए, एच बार यहां तक है माय डियर और एच सी पी बार यहां तक है। दैट मींस ये जो आपका डिस्टेंस है दोनों के बीच में, यही डिस्टेंस किसके बराबर होगा, तो आई सी जी डिवाइड बाय ए एच बार के बराबर होगा। दिस डिस्टेंस इज आई सी जी डिवाइड बाय ए एच बार। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था, याद कीजिए, कि जैसे जैसे हम लोग इसका सेंटर सॉरी जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर डेप्थ इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तरफ शिफ्ट करेगा। क्यों करेगा, मैंने आपको क्लियरली बताया था, क्योंकि जब आप डेप्थ बढ़ा रहे हैं तो एच बार इंक्रीज होगा, और जब ये एच बार इंक्रीज होगा तो ये टर्म आपका डिक्रीज होगा। और ये टर्म क्या है माय डियर, ये टर्म ये वाला डिस्टेंस है, सी जी और सी पी के बीच का डिस्टेंस है ये। तो जब यही डिक्रीज होगा, ठीक है, दैट मीन्स सेंटर ऑफ प्रेशर इसके तरफ शिफ्ट कर रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सेम रहेगा, फिक्स रहेगा, बट सेंटर ऑफ प्रेशर इस तरफ शिफ्ट कर रहा होगा। फिर मैंने बताया था कि अगर डेप्थ हम लोग काफ़ी इंक्रीज कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका एच बार इन्फिनिटी पे होगा। तो जब एच बार इन्फिनिटी पे होगा तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि सेंटर ऑफ प्रेशर अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बी सॉरी सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर आ चुका है। दैट मीन्स दोनों कोइंसाइड कर गया है। तो उस टाइम आप बोलेंगे कि सेंटर ऑफ प्रेशर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों सेम पॉइंट होगा। बात समझ में आ गया, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये टर्म क्या है माय डियर, ये टर्म है डिस्टेंस बिटवीन सीजी एंड सीपी, सीजी एंड सीपी। और इंक्लाइंड सरफेस के केस में सीजी और सीपी के बीच का डिस्टेंस कितना था, तो इसी टर्म में साइन स्क्वायर थीटा भी वहां पर था। ठीक है, आपको सब कुछ याद आ रहा होगा। तो इस तरीके से सभी को इंटर लिंक करके पढ़िए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो वर्टिकल सरफेस के केस में हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ निकालने के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं
कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए माय डियर, हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा, F इज इक्वल टू रो जी ए एच बार, F इज इक्वल टू रो जी ए एच बार, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पर देखिए, क्या इस फॉर्मूला में आपको कहीं पर भी थीटा टर्म दिख रहा है? आप बोलेंगे नहीं दिख रहा। तो जब थीटा टर्म यहाँ पर नहीं है और वर्टिकल सरफेस के केस में सिर्फ यहाँ पर क्या चेंजेस आ रहा है, सिर्फ यहाँ पर चेंज आ रहा है थीटा को लेकर, थीटा यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो जब थीटा सिर्फ चेंज हो रहा है और थीटा टर्म इसमें है ही नहीं, इसका मतलब ये है कि आप वर्टिकल सरफेस के केस में भी इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, आपने क्या देखा, आपने अभी तक देखा कि चाहे आपके आपको इंक्लाइंड सरफेस दिया गया हो या हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया गया हो या वर्टिकल सरफेस दिया गया हो, तो किसी भी हर एक सरफेस के केस में आप हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सेम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। लेकिन सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ कैलकुलेट करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट फार्मूला का यूज़ करेंगे। अगर इंक्लाइंड सरफेस है तो वहाँ पर जो इंक्लिनेशन होगा थीटा वो आपको दिया रहेगा, तो आप जो बेसिक फार्मूला है उसका यूज़ करेंगे, दैट मीन्स इस फार्मूला का यूज़ करेंगे और थीटा का वैल्यू वहाँ पर पुट कर देंगे। और अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो वहाँ थीटा ज़ीरो हो जाता है, दैट मीन्स एच सी पी बार बराबर क्या होगा, एच बार। और अगर वर्टिकल सरफेस है माई डियर फ्रेंड, तो वहाँ पर आपको ये टर्म वन हो जाएगा, दैट मीन्स आप इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको वर्टिकल सरफेस कम्प्लीटली समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, तो एग्जांपल के हेल्प से आप सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी जेई हो या स्टेट जेई हो, आपको डायरेक्ट कोई वर्टिकल सरफेस के बारे में बोला जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि बताइए इसका सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ कितना होगा, ठीक है। तो आपको एच सी पी बार कैलकुलेट करना होगा। तो आइए कुछ वर्टिकल सरफेस के बारे में देख लेते हैं, और हो सके तो आप कुछ वर्टिकल सरफेस का एच सी पी बार आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर नहीं याद रखते हैं तो फिर आपको वहाँ पर कैलकुलेट करना होगा, जिसमें आपको टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसको कैलकुलेट करने में आपको 2 से 3 मिनट टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो बेहतर है माय डियर कि आप याद रखेंगे। चलिए यहाँ पर, यहाँ से आप देखते हैं कुछ वर्टिकल सरफेसेस के बारे में बात किया जाए। वर्टिकल सरफेसेस, तो यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट जो हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कोई रेक्टेंगुलर वर्टिकल सरफेस है, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ प्रेशर कितना डेप्थ पर होगा। फिर सेकेंड आपसे पूछ सकता है कि कोई वर्टिकल सरफेस है बट उसका जो सेक्शन है वो ट्रायंगुलर शेप का है, मतलब ट्रायंगुलर वर्टिकल सरफेस है, तो उसका सेंटर ऑफ प्रेशर कितना डेप्थ पर होगा। फिर आपसे पूछ सकता है कि कोई वर्टिकल सरफेस है बट उसका सेक्शन सर्कुलर है, तो उस केस में बताइए कि सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ कितना होगा। फिर एक केस ऐसा भी हो सकता है कि सेमी सर्कुलर वर्टिकल सरफेस है, तो उसका सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ कहाँ पर होगा, ये बताइए, फाइंड कीजिए। तो ये हम लोग कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं, तो आइए आप लोग ध्यान देंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये मान लीजिए आपका लिक्विड का फ्री सरफेस है माय डियर, ये आपका लिक्विड का फ्री सरफेस है, ये फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इस फ्लूड में एक वर्टिकल सरफेस इमर्ज किया गया है, ये आपका वर्टिकल सरफेस है जो कि इमर्ज किया गया है, और इस वर्टिकल सरफेस का जो सेक्शन है वो सेक्शन मान लीजिए आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो ये तो काफ़ी आसान हो गया, ठीक है। ये देखिए इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है। अब यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट चीज़ आप क्या देख रहे हैं, आपको क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन किया रहेगा कि एक वर्टिकल सरफेस है और इसका टॉप सरफेस, ध्यान से सुनिए मेरी बात को,
एक रेक्टेंगुलर वर्टिकल सरफेस है जिसका टॉप सरफेस या जिसका टॉप लिक्विड के फ्री सरफेस के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो कैसा फिगर बनेगा? ऐसा ही फिगर बनेगा। किसी किसी क्वेश्चन में ये दे दिया जाएगा आपको कि रेक्टेंगुलर वर्टिकल सरफेस है बट उसका टॉप जो है वो फ्री सरफेस से कुछ डेप्थ पर है, वो कुछ डेप्थ आपको दे देगा, उसका वैल्यू आपको दे देगा, उस टाइम फिगर कैसा बनेगा? तो ये वर्टिकल सरफेस थोड़ा सा नीचे रहेगा, यहाँ पर ओवरलैप नहीं करेगा, कोइंसाइड नहीं करेगा, थोड़ा सा नीचे रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ से देखिए, तो अगर इस तरह का आपको सरफेस दिया हुआ है तो आपको इसका सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ पूछा जाएगा, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो आइए, बड़ा ही सिंपल सा है माय डियर। तो चूंकि ये रेक्टेंगुलर सरफेस है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट मिडिल में होगा, सीजी। इसका देखिए विड्थ बी है और डेप्थ कितना है, डी। यहाँ पर इसका इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पर होगा, इसके नीचे होगा, दिस इज सी पी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक के डेप्थ को हम लोग एच बार कहते हैं एंड सेंटर ऑफ प्रेशर तक के डेप्थ को हम लोग क्या कहते हैं, एच सी पी बार। बात समझ में आ गया? अब हम लोग वन बाय वन करके यहाँ पर सभी टर्म्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एच बार कैलकुलेट करना होगा क्योंकि फॉर्मूला में हमें एच बार यूज़ करना है। तो एच बार का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, तो आप आसानी से बोल सकते हैं ये पूरा डेप्थ कितना है, डी है। तो एच बार यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, दैट मीन्स डी का हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स डी बाई टू। एरिया कितना होगा माई डियर, तो इसका एरिया आप जानते हैं, बी इंटू डी हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये कितना होगा यहाँ पर, तो बी डी क्यू बाई ट्वेल्व हो जाएगा क्योंकि ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया जब आप फाइंड करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बी डी क्यू बाई ट्वेल्व। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी डेप्थ को कट कर रहा है तो डेप्थ का पावर थ्री करेंगे, तो डेप्थ का पावर थ्री हो गया। अब यही वैल्यू हम पुट करेंगे फॉर्मूला में, आइए देखते हैं माय डियर। नाउ एच सी पी बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, एच बार प्लस आई सी जी डिवाइड बाय ए एच बार। चूंकि वर्टिकल सरफेस है तो यहां पर साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा, अभी अभी जस्ट हमने देखा है। आइए सभी वैल्यूज यहां पर पुट कीजिए। एच बार का वैल्यू कितना है माय डियर, डी बाई टू प्लस आई सी जी कितना है, बी डी क्यू बाई ट्वेल्व। एरिया कितना है, बी इंटू डी। एच बार कितना है, डी बाई टू, तो टू ऊपर चला जाएगा। अब यहां से देखिए क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है, ये बी कैंसल आउट हो जाएगा, इस टू से ट्वेल्व सिक्स टाइम्स में कट जाएगा, डी इंटू डी डी स्क्वायर ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे माय डियर फ्रेंड, आप यहां पर लिखेंगे सो एच सी पी बार विल बी इक्वल टू, एच सी पी बार विल बी इक्वल टू डी बाई टू प्लस, ये क्या यहां पर क्या बच रहा है देखिए, डी डिवाइड बाई सिक्स। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, टू सिक्स का एलसीएम सिक्स, थ्री डी प्लस डी दैट मीन्स फोर डी बाई सिक्स, तो ये हो जाएगा 2D/3। यानी देखिए माय डियर फ्रेंड, सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ रेक्टेंगुलर वर्टिकल सरफेस के लिए कितना होगा, 2D/3 होगा। यहाँ पर D क्या है, तो यहाँ पर D है इस रेक्टेंगुलर वर्टिकल सरफेस का डेप्थ, जो भी डेप्थ दिया रहेगा उसका 2/3 टाइम्स कर देंगे तो आपको उसका सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये वैल्यू आप याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा आपके कंपटीशन में, तो उस टाइम यदि आप इसको याद नहीं रखते हैं तो आपको ये सभी चीज़ वहाँ पर फिर से करना पड़ेगा, तो इसमें आपका टाइम लॉस होगा, तो बेहतर है होगा कि आप इसको याद कर लीजिए। ओके, तो ये था माय डियर फर्स्ट केस जिसमें एक वर्टिकल सरफेस जो कि जिसका सेक्शन रेक्टेंगुलर था
और उसका टॉप सरफेस जो है वो लिक्विड के फ्री सरफेस के साथ कोइंसाइड कर रहा था, तो उसमें हमने देखा कि सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ कितना होगा, 2D/3 होगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल माई डियर फ्रेंड, मान लीजिए कि लिक्विड का ये आपका फ्री सरफेस है और यहाँ पर एक वर्टिकल सरफेस है, ये आपका वर्टिकल सरफेस है माय डियर फ्रेंड, बट इसका सेक्शन जो है, बट इसका सेक्शन आपका ट्रायंगुलर शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का ये देखिए इसका सेक्शन है, ये ट्रायंगुलर शेप का है माय डियर, ठीक है। अब यहां पर हमें फाइंड करना है कि इसका सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ कितना होगा। है वर्टिकल बट इसका सेक्शन क्या है, ट्रायंगुलर है, और इसका इस ट्रायंगुलर सेक्शन का ये बेस इसको बी मान लीजिए और इसका हाइट, इसका हाइट मान लीजिए एच है। तो अब हमें इस ट्रायंगुलर वर्टिकल सरफेस के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन फाइंड करना है और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहां पर देखिए ट्रायंगुलर सेक्शन दो तरीके से हो सकता है, इसका पोजीशन दो तरीके से स्पेसिफाई किया जा सकता है। पहला पोजीशन आपको बोल देगा कि बाबू एक ट्रायंगुलर वर्टिकल सरफेस है जिसमें उस ट्रायंगुलर सेक्शन का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स पॉइंट जो है वो लिक्विड के फ्री सरफेस के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो आप इस तरह का फिगर बनाएंगे। और अगर बोला जाए कि ट्रायंगुलर सेक्शन का वर्टिकल सरफेस है बट एक केस ऐसा भी हो सकता है, आपको बोल दिया जाए कि जो इसका बेस है ना, ये बेस लिक्विड के फ्री सरफेस के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मतलब जस्ट इसको आप इन्वर्ट कर दीजिए, जस्ट इसको आप इन्वर्ट कर दीजिए तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो वो पोजीशन में भी आपको सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ पूछ सकता है, तो वो हम देखेंगे अभी नेक्स्ट केस में, ठीक है। तो पहले इस पोजीशन का देख लिया जाए। यहाँ पर देखिए माय डियर, इस ट्रायंगुलर सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप जानते हैं कितना डेप्थ पर होता है माय डियर, तो ये आप जानते हैं कि यहां से ठीक है, अगर इसका हाइट देखिए एच है तो ये डेप्थ कितना होगा, 2h/3 होगा, ये आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स में, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यहां पर आप मार्क कर दीजिए दिस पॉइंट इज cg, इसका cp यहां पर मान लीजिए है, दिस इज cp, तो यहां से लेकर यहां तक ये डेप्थ है आपका h बार और यहां से लेकर यहां तक ये है आपका hcp बार। ओके, और इसी सेंटर ऑफ प्रेशर पर आपका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा इस पॉइंट पर, ठीक है, एफ एक्ट करेगा, और यहां पर भी आप दिखा सकते हैं कि इस पॉइंट पर आपका एफ एक्ट करेगा। चलिए तो हमें अब एच सी पी बार कैलकुलेट करना है, तो आइए जो प्रोसेस हमने यहां पर किया था सेम प्रोसेस अब यहां पर भी करेंगे और आप देखेंगे कि आसानी से इसका भी सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ फाइंड हो जाएगा। आइए माय डियर, तो सबसे पहले तो बात कीजिए कि एच बार का वैल्यू यहां पर कितना होगा, तो एच बार हम क्या जानते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड कितना है माय डियर, 2h/3, तो हम क्या लिखेंगे, 2h/3। इसका एरिया कितना होगा माय डियर, तो चूंकि ट्रायंगुलर सेक्शन है तो इसका एरिया आप जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स BH/2। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये आपको याद भी रखना है, एक बार SSC JEE एग्जाम में माय डियर सिर्फ यही पूछा गया था कि किसी ट्रायंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, उसका फॉर्मूला बताइए, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये होता है माय डियर BHQ/36, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है BHQ/36। बी क्या है, बेस, उस ट्रायंगुलर सेक्शन का बेस, एच क्या है, उसका हाइट, ठीक है, डिवाइड बाय 36। अब एक चीज मैं आपको यहां पर और समझा दे रहा हूं, अगर ट्रायंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्सिया बेस के अबाउट पूछा जाए,
बेस के अबाउट। अगर किसी भी ट्रायंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस के अबाउट पूछा जा रहा है तो आप वहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो बी एच क्यू बाई 12 होता है। आई होप कि आपको ये याद होगा, ठीक है, बी एच क्यू बाई 12। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए। बट हम यहाँ पर यूज कौन सा करेंगे, हम यूज करेंगे अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो चलिए यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है माय डियर, एच सी पी बार इज इक्वल टू एच बार प्लस आई सी जी डिवाइड बाय ए एच बार। आइए एच बार का वैल्यू क्या है, सभी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो 2h by 3 प्लस आई सी जी कितना है माय डियर, बी एच क्यू बाई 36। एरिया कितना है, बी एच बाई 2, 2 ऊपर चला गया। और h बार कितना है, 2h by 3, 3 ऊपर आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कैंसल आउट होगा, आप सभी को कैंसल आउट कर दीजिए। यहाँ से देखिए b और b कैंसल आउट हो गया, h इंटू एच एच स्क्वायर, तो ये कैंसल आउट हो गया, ये 2 भी कैंसल आउट हो जाएगा, एंड 3 से ये 12 टाइम्स में कैंसल आउट होगा। दैट मीन्स 2h by 3 प्लस, यहाँ से देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या है h, नीचे में क्या है 12। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 और 12 का एलसीएम 12, 3 4 यानी 8h प्लस एच, दैट मीन्स 9h by 12, तो ये कितना हो जाएगा 3h by 4। तो देखिए माय डियर फ्रेंड, यानी यहाँ पर एच सी पी बार कितना मिल जाएगा, 3h by 4। इस ट्राइंगुलर सेक्शन के लिए सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ कितना होगा माय डियर, 3h by 4 होगा, ठीक है। h यहाँ पर क्या है, हाइट, हाइट ऑफ दिस ट्राइंगुलर सेक्शन। तो इस तरह आपने फाइंड कर लिया, तो इसका भी आप हो सके तो ये याद कर लेंगे, ठीक है, कि सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ किसी भी ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए, और वो ट्रायंगुलर सेक्शन कैसा है, उसका पोजीशन कैसा है, तो उसका वर्टेक्स जो है वो लिक्विड के फ्री सरफेस पर है, कोइंसाइड कर रहा है, तो उसके लिए माय डियर फ्रेंड उसका सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ कितना होगा, 3h by 4 होगा। तो ये आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर याद नहीं करते हैं तो फिर आपका टाइम लॉस होगा एग्ज़ाम में, आपको इतना चीज़ वहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है, तब आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसीलिए इससे बचने का बेहतर उपाय है कि आप इसको याद कर लीजिए। तो ये था माय डियर ट्रायंगुलर सेक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो थर्ड केस देखेंगे, थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे, वो ट्रायंगुलर केस का ही देखेंगे, बट अब बेस को हम लोग फ्री सरफेस के साथ कोइंसाइड करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं माय डियर थर्ड केस। तो ये सभी एग्जांपल आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको आपको याद भी रखना है। 4-5 एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जो भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, फिर हम लोग उसके आगे मूव करेंगे। तो फिर आपका वर्टिकल सरफेस माय डियर फ्रेंड कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपका सिर्फ एक बचेगा कर्व सरफेस, तो वो भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, वन बाय वन करके धीरे धीरे। तो आइए अब हम लोग थर्ड देख रहे हैं, थर्ड वर्टिकल सरफेस, और वो मान लीजिए कि ये लिक्विड का, ये आपका लिक्विड का टॉप सरफेस है, दैट मीन्स फ्री सरफेस है, और इसमें एक वर्टिकल सरफेस को सबमर्ज किया गया है, बट उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है माय डियर, उसका क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर है और उसका बेस, ट्रायंगुलर सेक्शन का बेस फ्री सरफेस के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो देखिए किस तरीके से बनेगा, ओके, देखिए माय डियर ये आपका ट्रायंगुलर शेप का है, ठीक है, और इसका हाइट जो है उसका हाइट h है और बेस कितना है, b है। तो अब हमें यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ फाइंड करना है, तो आइए फाइंड करते हैं माय डियर, ठीक है ना। चलिए फिर वही चीज़, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा, बट ये आपका cg है ना, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए यहाँ पर मिल रहा है cg, और इसका सेंटर ऑफ प्रेशर मान लीजिए यहाँ पर है, तो
फ्री सरफेस से सीजी तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एच बार, एंड फ्री सरफेस से सीपी तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एच सी पी बार। ओके चलिए अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। इस ट्रायंगुलर सेक्शन का जो हम लोग दो एग्जांपल ले रहे हैं, दो डिफरेंट केस ले रहे हैं, उस दोनों में सिर्फ किस चीज में चेंज आएगा? तो माय डियर, क्या एरिया में चेंज आएगा? नहीं, एरिया तो सेम रहेगा। क्या मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या वो चेंज हो सकता है? नहीं, वो भी तो सेम रहेगा, बी एच क्यू बाई 36। तो किस चीज में चेंज आएगा? एच बार में। आप देख के समझ गए होंगे, एच बार में सिर्फ चेंज होगा। वहां पर एच बार आपका था 2h/3, बट यहां पर क्या होगा माय डियर, ये वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस कितना होगा? तो टोटल हाइट h है, तो ये कितना हो जाएगा, h/3, 1/3 हो जाता है ना बेस से। तो ये डिस्टेंस आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, दिस डिस्टेंस h बार विल बी इक्वल टू h/3। एरिया कितना होगा माय डियर, एरिया आपका हो जाएगा सेम, बी एच बाई 2, एंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, बी एच क्यू बाई 36। तो आइए अब फॉर्मूला यूज कर लीजिए, एच सी पी बार इज इक्वल टू एच बार प्लस आई सी जी डिवाइड बाई ए एच बार। तो आइए देख लीजिए, एच बार कितना है माय डियर फ्रेंड, एच बाई 3, आई सी जी बी एच क्यू बाई 36, एरिया कितना है बी एच बाई 2, और एच बार कितना है माई डियर फ्रेंड, एच बाई 3, तो 3 ऊपर चला गया। अब यहाँ से देखिए, अब आप कैंसल आउट करना शुरू कीजिए, ये देखिए बी और बी कैंसल आउट, एच इंटू एच इससे कैंसल आउट, 2 3 6, 6 इसमें 6 टाइम्स में कैंसल आउट हो जाएगा। सो दिस विल बी एच बाई 3 प्लस, ये कितना हो जाएगा, एच बाई 6, 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 टू जा प्लस एच, 3h/6, यानी ये हो जाएगा माय डियर एच बाई टू हो जाएगा। यानी इस केस में आपका एच सी पी बार क्या होगा, विल बी इक्वल टू एच बाई टू, विल बी इक्वल टू एच बाई टू। तो आप डायरेक्ट इसको याद रखेंगे कि अगर कोई ट्रायंगुलर सेक्शन है माय डियर फ्रेंड, ठीक है, तो उस ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए अगर उसका बेस लिक्विड के फ्री सरफेस के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो उस केस में उसके सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ कितना होगा, तो एच बाई टू होगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, तो आप इसको याद रख लेंगे। चलिए अब यहाँ पर जो हम लोग फोर्थ वर्टिकल सरफेस देखने वाले हैं, वो देखिए किस टाइप का है। मान लीजिए माय डियर फ्रेंड, ये लिक्विड का फ्री सरफेस है और ये वर्टिकल सरफेस को इमर्स किया गया है, ये कोई वर्टिकल सरफेस को इमर्स किया गया है, बट इसका सेक्शन सर्कुलर सेक्शन है, मतलब सर्कुलर सेक्शन का वर्टिकल सरफेस को इमर्स किया गया है, ठीक है। तो आइए देखिए, ये आपका क्या है, सर्कुलर सेक्शन है माय डियर, ठीक है। तो इस सर्कुलर सेक्शन के लिए हमें इसका सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ फाइंड करना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये सिमेट्रिक है, तो इसका सीजी क्या होगा, इसी डायमीटर के अलोंग होगा सीजी, ये पॉइंट इसका सीजी हो गया, और ये पॉइंट मान लीजिए कि सेंटर ऑफ प्रेशर है। तो यहां से लेकर यहां तक इसके डेप्थ को हम लोग एच बार कहेंगे, एंड यहां से लेकर यहां तक इस डेप्थ को हम लोग एच सी पी बार कहेंगे, एच सी पी बार कहेंगे। अब यहां से देखिए, हमें अब सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ फाइंड करना है, तो आइए वन बाय वन हम यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, h बार का वैल्यू यहां पर कितना होगा, दैट मीन्स यहां से लेकर यहां तक के डेप्थ को हम h बार कह रहे हैं, तो ये किसके बराबर होगा माय डियर,
तो आप जानते हैं कि इसके रेडियस के बराबर होगा, दैट मीन्स आर, आर के बराबर हो जाएगा। इसका एरिया क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, पाई बाय 64 इंटू डी 4। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, किसी भी सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्सिया उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट इतना ही होता है। बट ये दोनों आप रेडियस के टर्म्स में लिखे हैं, तो इसको भी आप रेडियस के टर्म्स में ही लिखिए। तो क्या करेंगे, इसे हम चेंज कर देंगे, पाई बाय 64, डायमीटर को हम क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स रेडियस, इसका पावर 4। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा माय डियर, पाई बाय 64 इंटू ये हो जाएगा 16 टाइम्स आर टू द पावर 4। तो 16 से ये 4 टाइम्स में कटेगा, दैट मीन्स पाई बाय 4 इंटू आर टू द पावर 4। ये हो गया इस सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ रेडियस, पाई बाय 4 इंटू आर टू द पावर 4। तो सभी वैल्यूज हमने देख लिया है, अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे और आप देखेंगे कि सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ फाइंड हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है माय डियर, एच सी पी बार विल बी एच बार प्लस आई सी जी डिवाइड बाय ए एच बार। अब वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, एच बार कितना है आर, आई सी जी कितना है माय डियर, पाई बाय आर, सॉरी पाई बाय 4 इंटू आर टू द पावर 4 डिवाइड बाय, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, एच बार कितना है आर के बराबर। तो ये 4, ये 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये 4 आपका नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ये आर स्क्वायर इंटू आर, आर का पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसल आउट, पाई भी कैंसल आउट। तो ये हो गया माय डियर आर प्लस आर डिवाइड बाय 4, यानी एच सी पी बार का वैल्यू कितना होगा माय डियर, 5R/4। देखिए माय डियर, यानी किसी भी कोई भी अगर एक सर्कुलर वर्टिकल सरफेस है, अगर सर्कुलर वर्टिकल सरफेस को आपने लिक्विड में इमर्स किया है और उस सर्कल का जो टॉप है वो उस लिक्विड के फ्री सरफेस के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो उस केस में माय डियर फ्रेंड उस सर्कुलर वर्टिकल सरफेस का सेंटर ऑफ प्रेशर 5R/4 डेप्थ पर होगा, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर लेंगे, ठीक है, इसको भी आप याद कर लेंगे और डायरेक्ट आपसे एग्जाम में यही चीज पूछा जाएगा, ओके। तो चलिए माय डियर, ठीक है, अब एक केस और बचा हुआ है तो वो हम लोग फटाफट कर लेते हैं आज, ठीक है। एक केस यहाँ पर और बचा हुआ है कि कोई भी सेमी सर्कुलर सेक्शन अगर रहेगा, ठीक है, आपने सर्कुलर सेक्शन भी देख लिया और अगर क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि सेमी सर्कुलर सेक्शन है तो उसका सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ कितना होगा, ठीक है, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, वो हम लोग अब इस नेक्स्ट केस में देखने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हमने 4 एग्जाम्पल देख लिया है, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो आपको फॉर्मूला पूछ सकता है कि सेंटर ऑफ प्रेशर का डेप्थ कितना होगा, और एक आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सेमी सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्सिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट कितना होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए माय डियर देख लेते हैं नंबर 5। मान लीजिए कि लिक्विड का टॉप सरफेस ये है और इसमें कोई वर्टिकल सरफेस है जिसे इमर्स किया गया है, बट इसका सेक्शन कैसा है, सेमी सर्कुलर शेप का है। तो आइए माय डियर, इसका सेक्शन जो है वो सेमी सर्कुलर, ये देखिए सेमी सर्कुलर सेक्शन है ये, ठीक है। इसका रेडियस कितना है, आर है, इसका रेडियस आर है। तो अब हमें इस सेक्शन के लिए एच सी पी बार फाइंड करना है। तो आप याद कीजिए कि जो सेमी सर्कुलर सेक्शन होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से 4R/3π के डिस्टेंस पर होता है, ये आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा माय डियर फ्रेंड वो बेस से 4R/3π के डिस्टेंस पर होता है, 4R/3π के
डिस्टेंस पर ये आपका वैल्यू होता है। अब यहां से देखिए, तो इसका सीजी तो यहां पर है, सीपी यहां पर हो जाएगा माय डियर। तो इसी सीपी का हमें डेप्थ फाइंड करना है। दिस इज एच सी पी बार एंड दिस इज एच बार। तो एच बार तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, एच बार क्या हो जाएगा माय डियर। तो यहां से यहां तक ये वाला डेप्थ क्या होगा, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर में आप यदि इस डिस्टेंस को माइनस कर देते हैं 4r/3π तो आपको एच बार निकल जाएगा। तो एच बार आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एरिया क्या होगा माय डियर, सेमी सर्कुलर है, दैट मीन्स πr² / 2 हो जाएगा एरिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो चीज ध्यान में रखिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा, ये याद रखना है। तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, 0.1097 × r⁴। और प्लीज आप इसको याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपसे मैकेनिक्स में पूछ सकता है कि सेमी सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा। तो 0.1097 × r⁴ होता है। और फिर आप अब आप यहां से आसानी से एच सी पी बार कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि क्या होगा, एच बार प्लस आई सी जी डिवाइड बाई ए एच बार। तो यहां से देखिए आपको सभी टर्म्स यहां पर आप फाइंड कर चुके हैं, तो एच सी पी बार भी आप आसानी से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। यहाँ से देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये चीज़ पूछा जाएगा कि सेमी सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्सिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि सेमी सर्कुलर सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस से कितना डिस्टेंस पर होता है, तो 4r/3π के डिस्टेंस पर होता है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इसको याद रखेंगे, ओके। तो चलिए माय डियर, वर्टिकल सरफेस में हम लोगों ने 5 एग्जांपल देख लिया, ठीक है। तो वर्टिकल सरफेस आपका कंप्लीट हो चुका है, ओके। तो आज के सेशन में हमने वर्टिकल सरफेस को कंप्लीट कर लिया है, 3 सरफेस आपका हो चुका है। अब हमारा यहां बच रहा है कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ओके। तो आज के सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं, आई होप कि आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए माय डियर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, ओके। सो थैंक यू, बाय बाय।